हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सबके बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ कहीं पे घूमने के लिए। तो आप लोग को इस ब्लॉग में पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि क्या प्राइस है, नहीं है, कैसे करके जा सकते हो, तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। तो चलो गाइस, मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ, तब तक के लिए टाटा। सो गाइस, मैं फाइनली निकल चुकी हूँ और मैं कैब से जा रही हूँ, तो 300 पड़ रही है मेरे जगह से स्टेशन जाने में। मैं साउथ कोलकाता में रहती हूँ ना, तो 300 पड़ा सुबह का टाइम पे। और मैं ट्रेन का रिजर्वेशन कर चुकी हूँ, तो 105 रुपीज़ पड़ रही है। तो गाइस, आप लोग भी कर लेना। और थोड़ा सा तो ट्रैफिक है सुबह सुबह को भी, पर कोई नहीं, ठंड तो पड़ चुकी है। वेदर देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा में आप ट्रैवल करने में आपको मज़ा भी आती होगी। आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग को विंटर में ट्रैवल करने में किसको पसंद है। और फाइनली थोड़ा देर में पहुँचने वाली हूँ, और ये रहा हावड़ा ब्रिज, मोस्ट आइकोनिक ब्रिज ऑफ इंडिया, आप लोग को पता ही होगा। और ये रहा हावड़ा स्टेशन, जो कि नया स्टेशन में मैं उतरी हूँ। यहाँ पे दो स्टेशन है, एक पुराना एक नया। तो आप जो नया स्टेशन है, साउथ में जाने के लिए ट्रेन जहाँ मिलती है वहाँ पे उतरना, तो आपको दीघा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और ये कॉफ़ी में खरीदी 25 रुपीज़ पे, और सुबह सुबह कॉफ़ी पीने में तो अलग ही मज़ा है, वो भी ठंड के टाइम पे। ये रहा हावड़ा स्टेशन, ये भी बहुत ही बड़ा स्टेशन है, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा। और ये रही कॉफ़ी, तो मैं ठंड का मज़ा लेते लेते हावड़ा स्टेशन पे कॉफ़ी पीते हुए आराम से चिल कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग को एक के बाद एक ब्लॉग देखने मिल जाएगा, अभी दीघा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस, ये तोमरली एक्सप्रेस है, तो अभी हम लोग सुबह को 6:45 में जा रहे हैं, और फिर ये 10:30 बजे दीघा से खुलती है, फिर कांदारी हो जाती है, तो यही वाला आना जाना करती है। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं और बैठ गए ट्रेन में। तो अभी 3 से 3.5 घंटा लगेगा दीघा पहुंचने में, तो आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगी कितना क्या प्राइस लगा ट्रेन का, फिर कैसे करके जाना है नहीं जाना। तो पहले चलते हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी जर्नी, तो चलो। और सीट मिडिल वाला मिला, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। और आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखो, क्योंकि ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस ब्लॉग में देखने मिलेगा, तो आप लोग देखो ब्लॉग को कंटिन्यू। और मैं चेयर कार का रिजर्वेशन की थी, क्योंकि दिन का टाइम है, 3.5 घंटा में पहुंच जाओगे तो आपको चेयर कार ही मिलेगा। इसका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। और ट्रेन में तो खाना मिलता है, ये वाला मैं खरीदी थी चॉप, जो कि ये मेदिनीपुर का चॉप बहुत ही फेमस है। एक मोचा का है और एक नॉर्मल आलू चॉप है। और व्यू देखते देखते तो अलग ही मज़ा है। यहाँ पर आप जब ट्रैवल करोगे तो आपको दोनों तरफ इस तरह का देखने मिलेगा, क्योंकि इधर पर फिशिंग ज़्यादा होती है, फिशिंग का चांस। और फाइनली मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ, और ये रहा दीघा स्टेशन। तो चलो गाइस, मैं टाइमली पहुंच चुकी हूँ, लेट एकदम ट्रेन नहीं है, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचा दिया गया है। और अभी ये 10:30 बजे यहाँ से खुलेगी, फिर कोलकाता जाएगी, तो ये दो बार अप डाउन करती है, आप लोग टाइमिंग देख लेना। चलो, अब मैं फाइनली निकल चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब होटल के तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो पुरी का जगन्नाथ मंदिर दीघा में भी बन रही है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। इस साल पे 2025 जो आने वाला है, उसमें रथ यात्रा के दिन सुनने में आया कि ये कम्प्लीट हो जाएगा, ओपनिंग होगा। चलो, आई होप हो जाए, हम लोग भी विजिट करेंगे नेक्स्ट टाइम। और ये रहा दीघा स्टेशन, देख सकते हो बहुत ही बड़ा स्टेशन है, और बहुत ज़्यादा आज क्राउड है, जबकि अभी वीकेंड नहीं चल रही है, वीक डे से ट्यूजडे है, तो भी इतना ज़्यादा क्राउड है, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली उतर चुके हैं और अभी मैं टोटो ले रही हूँ, तो अभी जा रही हूँ होटल के तरफ, देखती हूँ कि क्या क्या होटल मिल जाए, ये टोटो वाले भैया हम लोग को दिखाएंगे, वो देखते हैं, उसके बाद में आप लोग को डिटेल शेयर कर दूँगी और प्राइस भी बता दूँगी कितना है, और बहुत ज़्यादा हॉट मार रही है। तो चलो गाइस, मैं होटल जाती हूँ, देखती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी होटल कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये होटल पे आई मेहनत, तो इसका होटल का रूम चलो देखने जाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी है, सबसे बड़ी बात है। ये रहा स्विमिंग पूल, जो कि छोटा सा ही है, पर कोई नहीं, चलो देखते हैं इसका रूम वगैरह। ये रहा रूम का बाहर का व्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमम होटल में आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगी, अगर आपका प्राइस थोड़ा सा हाई है तो। ये रहा रूम का अंदर का व्यू, और मैं बता देती हूँ इसका 1500 चार्जेस लगेगी गाइस, पर मैं ये ले रही हूँ कि नहीं आगे बताऊँगी। ये और एक होटल में आ चुकी हूँ, तो ये रहा दूसरा रूम, इसका भी रूम का व्यू
बहुत ही ब्यूटीफुल है ये रहा स्विमिंग पूल, तो इसका 2000 है पर डे का। तो मैं आगे वाला नहीं ली क्योंकि उसका स्विमिंग पूल बहुत ही छोटा सा था और ये वाला थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही थी, पर कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा होटल है, मैं आ चुकी अब तीसरे होटल पे। यहाँ भी लिफ्ट है, ये रहा रूम भैया जो है मतलब केयर टेकर वाले भैया दिखा रहे, देख सकते हो रूम कितना ब्यूटीफुली है ना। आप लोग कमेंट पे बताना आप लोग को कौन सा रूम अच्छा लगा। और ये रहा स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे ना मैक्सिमम न्यू दीघा का होटल पे तो साइड पे है, मतलब नया जहाँ पे बना है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये रहा होटल गोल्डन पैलेस में भी मैं देखने आई थी पर मेरे को थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा था, पर कोई नहीं। चलो अब मैं आ चुकी चौथे वाले पे, तो यहाँ का भी रूम गाइज आप देख सकते हो रूम बहुत अच्छा, यहाँ पे छोटा फ्रिज भी मिल रही है, तो रूम तो बहुत ही एक से एक है। सो गाइज अगर आपको स्विमिंग पूल वाला रूम लेना है मतलब होटल लेना है तो आपको 1500 से 2000 तक में मिल जाएगी। बस जब स्विमिंग पूल पे आप उतरोगे तो कॉस्ट्यूम का 50 रुपीज चार्जेस लेती है, बाकी और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगे। फाइनली एगो होटल फिक्स्ड हुआ है ये वाला, और मैं आप लोग को डिटेल्स शेयर कर दूंगी कि कितना क्या प्राइस लगा है, पूरा एकदम प्रॉपर डिटेल्स। और अभी रूम रेडी हो रही है तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है और प्राइस भी एकदम रिजनेबल प्राइस में मिल चुकी है, तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ, आप लोग भी ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। सो गाइस मैं फाइनली ये वाला होटल बुक की हूँ, तो आप लोग नाम एक बार देख लो, होटल गोल्डन सन, इसमें स्विमिंग पूल भी मिलेगी। और चलो अंदर की तरफ चलते। सो गाइस मैं आप लोग को चार्जेस बता देती हूँ, तो मेरे को एक रूम का पड़ा 2000, अभी ऑफ सीजन चल रही है इसलिए इतना कम प्राइस में मेरे को स्विमिंग पूल वाला मिल गई। अगर आप लोग सीजन में आते हो तो इसी का डबल प्राइस हो जाती है, पर आप लोग को थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करना पड़ती है। और दूसरे होटल में भी मिल रही थी, आप लोग को लगेगा कि दूसरे होटल में मैं क्यों नहीं ली, तो मैं वो सब मैं इसलिए नहीं ली क्योंकि स्विमिंग पूल वो सब में नीचे में था, इसका स्विमिंग पूल गाइस एकदम टॉप फ्लोर मतलब छत में रूफ टॉप में है, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरे को लगी और इसका मतलब वेल मेंटेन आपको देखने मिल जाएगा चारों तरफ। और बिहेवियर भी इन लोगों का बहुत अच्छा था, और देख सकते हो मैं फाइनली रूम के अंदर जा रही हूँ, चलो आप लोग को रूम टूर करवाती हूँ। मैं फाइनली रूम ले चुकी हूँ, तो मेरा रूम इधर पे है और भैया लोग का और भी फ्रेंड्स है वो लोग पास में लिए है, तो मैं अपना रूम दिखा रही हूँ, आप इधर पे आ जाओ। तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पे टीवी देखने मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो रखने का है, और यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट है, ठीक ठाक ही है। और ये रहा मेरा रूम का बेड जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। और ये वॉल सीलिंग, और सबसे खासियत अच्छा है कि गाइस यहाँ पे ना सेंट्रल एसी आप देख सकते हो, तो मतलब वो उस तरह का नहीं कि एक जगह पे पूरा रूम पे एकदम हवा आएगी आराम से। और इधर पे देख सकते हो कि आराम से सुबह उठ के बैठ के चाय पी सकती हूँ। और यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन देख सकते हो, एकदम बड़ा ही है। और इधर पे आ जाओ, एक चीज दिखाते हैं, ये वाला मेरा बालकनी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है देख सकते हो। और ये वाला मेरे को एकदम मेन रोड के ऊपर ही मिला, और पूरा ओपन बालकनी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह का आपको देखने मिल जाएगा। सो गाइस आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग को ये वाला रूम कैसा लगा, और मैं अंदर पे बताऊंगी अभी कि आप लोग को कितना प्राइस इसके लिए मेरे को कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो आ जाओ अंदर। तो गाइस आप लोग को मैं बता देती हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ होटल सन पैलेस जो कि बहुत ही बड़ा होटल है, और इसका टॉप रूप में स्विमिंग पूल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर जाऊँगी तो मैं आप लोग को डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो प्राइस गाइस आप लोग को ये 2000 मिलेगा एसी के साथ, पर आप थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और इसके पहले मैं होटल सब गई थी तो आप लोग को मैं प्राइस वगैरह बता दी, अभी का सीजन में अभी इसी प्राइस में चल रही है, हो सकता है कि बाद में और थोड़ा सा प्राइस बढ़े न्यू ईयर के टाइम पे, पर कोई नहीं। गाइज आप लोग कमेंट पे बताना कि ये वाला होटल कैसा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको तो इंटीरियर देख के पता चल रहा होगा, और इसके ऊपर स्विमिंग पूल तो जबरदस्त है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी क्योंकि अभी दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो गाइज फाइनली मैं दीघा पहुंच चुकी हूँ, न्यू दीघा में हूँ। और अगर आप लोग को ज्यादा ये चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं होटल का नाम और नंबर वगैरह सब कुछ दे दूंगी। तो चलो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर चलो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बहुत ही जल्दी।
अमेजिंग ब्लॉग के साथ मिलूंगी, क्योंकि अभी दीघा का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग को एक एक करके दीघा का देखने मिलेगा। तो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।